करौली जिले की पंचायत समिति सपोटरा ग्राम पंचायत सलेमपुर के सरपंच अभिषेक बेरवा ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि पंचायतवासी अगर मेरा साथ देते हैं तो पंचायत में अधिक से अधिक विकास कार्य करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत के वंचित विकास को पूरा करना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ सरपंच अभिषेक बेरवा की अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सलेमपुरा के अंदर। यहाँ जो युवा सरपंच है अभिषेक जी बेरवा वो हमारे साथ है, उनसे हो रहे हैं रूबरू और करते हैं ग्राम पंचायत के मुद्दों पे चर्चा कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार की समस्याएं आ रही है और किस प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और युवा है वो राजनीतिक सरोकार के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो विशेष बातचीत कर रहे हैं युवा सरपंच अभिषेक बेरवा से। सर नमस्कार। तो अभिषेक जी, गांव के लोगों ने युवा सरपंच चुना है, कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अजीब सा फील है, तो आपके भाई कम उम्र में जिम्मेदारी का पद मिला है तो इसको अच्छे से निभाना आए थे। उस दिन चुनाव जीते हो तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं ऐसे बॉर्डर पे आ गए हो, मतलब लोगों का चारों तरफ से माहौल बना है, भाई आंखों से आंसू आना, मतलब खुशी के थे सुनने में था, तो भाई अंदर से जीत रहे थोड़ा सा बहुत एक अच्छा सा फील आया था और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया था सारे समाज में। युवा है राजनीति के अंदर, जैसे राजनीति के अंदर भागीदारी निभा रहे हैं, तो क्या वास्तव में देश का भविष्य युवा तय करेंगे? बिल्कुल, युवा तो है, जो सोच का भी फर्क पड़ता है युवाओं से, बहुत है ना अपने जो भी युवा साथी है तो युवा से जुड़े भी रहते हैं। अब पुराने जो है नेता है बड़े अपने, तो वो तो अपने लेवल से सोचते, पर युवा अपने पढ़े लिखे भी है, थोड़ा फर्क पड़ता ही है ना उनसे। तो कहीं ना कहीं वैसे तो अच्छी बात है कि देश के भविष्य में युवाओं की भागीदारी हमेशा अच्छी भी बात है, लेकिन जो पंचायती राज में अब की बार विशेष तौर से सरपंच भी आ रहे हैं और जो पुराने सरपंच थे उनमें सहनशीलता काफ़ी थी, वर्तमान में जो युवा सरपंच है कई बार आक्रोशित हो जाते हैं क्योंकि सारा दिन भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों को जवाब देना भी भारी पड़ता है, तो आपके साथ कभी ऐसा होते हैं? हाँ, ऐसा काफ़ी बार हो जाता है, इसमें एक्चुअली वगैरह आ जाते हैं जी, तो पैसे दो या फिर कोई बात हो तो हाथों पाइप तक आ जाते हैं जी, तो उनसे जैसे बड़ी मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 8-10 दिन पुरानी बात है, एक आदमी जो जबरदस्ती दारू के लिए पैसे दो समझाया, फिर हाथों पाई पाई, फिर मैंने फैमिली में आई की बात अपने घर के पास की, फिर मैंने उनको बोला मैंने कि भाई ऐसा नहीं, फिर वो गाली गलत पे उन्होंने पिताजी बोलवा लिए, मैंने फोर्स को फोन किया आप आ जाओ, फिर लोग कह रहे थे केस दर्ज करा दो, मैं नहीं केस हम नहीं दर्ज कराएंगे क्योंकि हम तो जिम्मेदारी के पद पे, अगर हम ही केस दर्ज कराएंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से मैं थोड़ा केस के लिए अभी केस भी ना करें और उन्होंने प्यार समझ पिताजी बारे समझे, मैंने आगे ऐसी हरकत नहीं होनी, थोड़ा सा अच्छा लगा, आप अगर आप मैंने बुजुर्ग आप आ जाओ, एक बराबर का लड़का करता है थोड़ा सा हमारे अंदर ऐसा लगता है कि यार हम भी तो युवा है तो जिम्मेदारी पद दो, बुजुर्ग आदमी खूब आराम जूते मारो ना, कोई काम नहीं कर रहे तो जी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत के मुद्दों की, ग्राम पंचायतें विकास की दृष्टि से कोरोना काल में पिछड़ गई थी, वर्तमान में क्या स्थिति? वर्तमान में ठीक है, पिछली बार कोरोना काल से थोड़ा सा माहौल हम भी नहीं समझ पाए थे, नए नए आए थे जी, कैसे क्या चल रहा है तो थोड़ा सीखने में टाइम लगा। अभी कुछ दिन में जैसे मैं देखा गांव में जा जाके कि भाई जहाँ जहाँ सड़क है वगैरह, तो मैं सारी चीज़ें मैं वीडियो साहब से बात करके वो सुकृत है जी, तो उनके अभी 1-2 दिन में काम चालू, 4-5 दिन में काम चालू हो जाएगा, मतलब CC वगैरह है जहाँ भी लोगों ने, लेकिन ऐसे नहीं पुराने सरपंचों ने जो कहे भाई व्यर्थी पैसा बर्बाद किया पंचायत का, भाई किसी चीज में लगा दी, यूज नहीं है आज भी जी। कुछ भवन बनाए तो उनका आजकल यूज नहीं, लोग अगर जानवरों के लिए चारा वगैरह भरते हैं तो उन चीजों लेके अपना इस जगह यूज में लो जहाँ पे आए, तो भाई रास्ता है तो यहाँ पे आने जाने वाले हो जी, जहाँ आ सको उसी हिसाब से विकास कार्य होने चाहिए जी। बिल्कुल, ग्राम पंचायत के अंदर आए हालात थोड़े नाजुक दिखे, अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आने जाने में काफी परेशानी है का सामना करना पड़ता है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? इस चीज़ के लिए हम भी बहुत परेशान हैं, मैंने कि भाई सभी अपने ही लोग हैं, इन सब ने सबसे कहा भी मैंने भाई अपना जो रास्ता है उस रास्ते को या अतिक्रमण उसको, तो मैंने कुछ दिन पहले नाम सुना था एक पीपलदा गाँव है जयपुर जी, उसके बारे में सुना तो एक अंदर ऐसा हुआ था इस टाइम मैंने बहुत अच्छा काम किया है सर, मैंने उनकी तरह उनको लोग बागों ने इतना सपोर्ट किया है, मैं जिसने कह दिया सर मैं यहाँ तक आऊँगा मकान टूटेगा या फिर आपके खींच जाए, तो सब लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ पे अगर लोग थोड़ा सा भी ऐसा करते हैं नहीं बिल्कुल हमारे नुकसान के लिए तैयार है, तो हमारा गाँव भी नक्शे पे आए, नाम चले सलेमपुर का भी जी। राजस्थान की किन पंचायतों में देखना चाहते हो सलेमपुर, क्या सपना आपका? सपना तो ये राजस्थान में पहले नंबर पे आए,
जी जी वो भैया पिछली बार अपने ऐसी चर्चा चल रही थी, एसडीएम साहब आए थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने कहा था अपने यहाँ आईटी केंद्र के सरपंच साहब सब जगह आईटी केंद्र है, आपके आईटी केंद्र की स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब है। जी, ठीक सर, आप सही कह रहे हो, मतलब मैंने जैसा आप आया था मैं चाहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए। आज अपना आईटी के अंदर जाके देखोगे ना आप तो एक देखने में अलग ही आते हैं। एसडीएम साहब सब तारीफ करते हैं, सलेमपुर का बार कोई भी अधिकारी नहीं करता, सलेमपुर रुक के हमने एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब जो मैंने मांगा सर मुझे इतने पैसे इसके लिए दर्द है ठीक है स्वीकृति में दे रहा हूँ, एसडीएम साहब को बहुत बड़ा आदर आया इस चीज में और उन्होंने किसी भी ऐसा नहीं कहा। अब उसमें थोड़े से पेड़ पौधे किए तो गेट वेट तो उसको बन के वो मिस्त्री लगा देगा और उसको जैसे वो पेड़ पौधे बरसात के टाइम पे ज्यादा बेटर है, सर्दी में तो थोड़ा लग नहीं पाएंगे। मतलब एक बहुत बड़ी बात आती है कि बीपीएल सर्वे 2002 के अंदर हुआ था, उसके बाद में कोई आज तक सर्वे नहीं हुआ, आर्थिक सर्वे जरूर हुआ था 2011 के अंदर। वर्तमान में जो वास्तव में वंचित लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा, तो क्या सरकार से कभी ऐसी कोई डिमांडेशन की आपने कि बीपीएल सर्वे पुनः हो, या फिर ऐसा कोई भी आपने कोई प्रयास किया हो जैसे जो कर्मचारी है या बीपीएल का लाभ ले रहे हैं उनके भी तो कोई ग्राम पंचायत ने कार्रवाई की? बिल्कुल, मैंने इस चीज लिए बात की थी, अपने अमित थे जो खाद्य विभाग से थे, उन्होंने अपने कमेटी बनाई थी, एसडीएम साहब भी थे उसमें, तो उसमें हमें भी सदस्य बनाया था, तो मैंने सबसे पहले पहली मीटिंग थी फर्स्ट बार उसी में मांग रखी थी साहब से, मैंने सर हमारे कुछ लोग है भाई ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ज़्यादा पर जमीन वगैरह भी है थोड़ी सी, पर मैंने साहब कम से कम 30 आदमी मुझे ऐसे दो जिनको मैं लीगल घर जाके देख के उनको जोड़ सकूँ। उन्होंने कहा, एसडीएम साहब ने कहा ठीक है बिल्कुल आप वो 30 आदमी देख लो आप, फिर मैंने वो 30 आदमी को, लेकिन जो अपने साहब अमित जी थे उनको कुछ दिन बाद ध्यान, नए साहब आए तो चार्ज किसी आ रहा है जा रहा तो सिस्टम डगमगा गया, फिर नए एसडीएम साहब आ गए तो फिर थोड़े मुलाकात थोड़ी थी, फिर वो अगर वो रहते तो शायद कुछ 30-35 आदमियों को लाभ अच्छा और मिल जाता जी, तो अब भी चर्चा चल रही है, तो यहाँ से हमने लिस्ट भेज चुके हैं, मैंने अपने दो डीलर है तो उन्होंने मैंने कहा भाई आपको तो और हमको थोड़ा नॉलेज, मैंने कुछ आदमी जो मैं बता रहा हूँ और कुछ आपके नज़र में जो आपके पास आती भी है उनका आप लिस्ट बनाओ, उन्होंने लिस्ट बनाई दोनों ने 10-10-12 आदमी, उन्होंने 8-10 आदमी मेरे नाम जुड़े, 30-35 आदमी लिस्ट दिए। अब जैसे ही वहाँ से मैंने बात पूछी है उनके अब आ जाए एक दिन चर्चा की डायरेक्टर सर जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर से लाभ मिल जाए, तो इसलिए अब चल रहा है उसमें। एक बात है सर, मतलब ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, पहले पंचायत ऑडिट हो गई है लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं दिखता, लोग आज सोच के लिए बाहर जाते हैं क्योंकि उनके आज तक सोच नहीं बदल पाए, कहने में तो कह रहे हैं कि हमारी पंचायत मॉडल है लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो उसको लेके क्या आपके द्वारा कोई ऐसे प्रयास हुए हैं या स्वच्छता के मामले में आपने कोई ऐसा काम करवाया? बिल्कुल सही है बात के भाई, केंद्र से जो निगम चले थे सरकार ने कुछ 12,000 का लाभ दिया था जनता और उससे पहले भी 2006-07 के आसपास पहले भी अगर चले थे उसमें जैसे लोगों ने ईट सीमेंट मिले थे तो उसमें जो पुराने जो सरपंच साहब की कोई वो नहीं है, सरपंच साहब ने कह दिया आप लिस्ट, लेकिन कुछ आदमी ऐसे थे बीच में जिन्होंने वो सामान पहुंचाया ही नहीं और उनका लिस्ट में नाम जारी कर दिया भाई इन्होंने पहले बनाया, तो उनका तो वही नुकसान हो गया, अब उन लोगों ने अपनी जेब से बनवाई है किसी ने, अब ज़्यादातर स्थिति थी मतलब अपने यहाँ सलेमपुर में ज़्यादातर लोगों ने बना रखी, कुछ लोग तो ऐसे अब गाँवों के माहौल है सब लोग बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ग्रामीणों में तो बाहर का ज्यादा वो है मतलब अपने कहते हैं ना कि भाई अंदर जाओ, अरे अंदर दम सा घुटता है तो बाहर शुरू से आदत उनको बाहर से तो डेवलप में थोड़ा टाइम तो लगता है, परिवर्तन आता है। फिर भी आप तो ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं युवा सरपंच से गांव के लोगों से या कोई कमेटी से उनके माध्यम से या कोई संगठन बना के लोगों को समुदाय बुझाई? हमने अपने एक कर्मचारी लग रहे हैं उनसे हम बार बार महीने दो महीने उनसे कह देते हैं आप जाओ सर्वे ले आओ भाई किन किन शौचालय है और कौन कौन आदि बाहर जा रहे हैं, तो कमेटी एसडीएम साहब ने बना रखी स्कूल की भी है, तो सारे लोग प्रयास भी करते हैं मतलब महीने भर तक इसका अभियान भी चला है महीने दो महीने, उसमें जितने भी कर्मचारी है सब ने खूब अच्छी मेहनत की और उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते, अपनी भी जिम्मेदारी बनती है आम आदमी की, तो जिम्मेदारी बनती है भाई आदमी सुबह 6 बजे 5 बजे जाग के आ रहा है जी जी, तो वो किस लिए आ रहा है, अपने लिए तो आ नहीं रहा भाई, आज कोई गवर्नमेंट कर्मचारी सलेम पे ड्यूटी कर रहा है अब तो 6 घंटे की ड्यूटी करके वो चला जाएगा, लेकिन वो आदमी 6 बजे या 5 बजे आ रहा है अपने पास और वो हमसे कह रहा है यार बाहर मत जाओ यहाँ ही सोचने के लिए अपने पास है व्यवस्था यहाँ ही देख लो, फिर भी लोग नहीं मान रहे, कोऑपरेट की भावना होना चाहिए, गाँव के लोग हैं वो भी कोऑपरेट करें तब जाके पंचायत है वास्तव में स्वच्छ पंचायत एक निर्मल पंचायत बन सकती। इसके अलावा जैसे अब की बार अपने एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो पद है अपने वर्तमान विधायक है जैसे रमेश जी, उनको ग्रामीण विकास पंचायती राज का जो पद मिला उसको लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या आशाएं और भी बढ़ी हैं आपकी?
जी बिल्कुल, अब हमारे यहाँ से इतने बड़े का हमारा जो क्षेत्र था ना पिछले विकास के मामले में थोड़ा बहुत पीछे था पहले, अब हमारा जो यहाँ से मंत्री साहब है मनीष जी, तो उनसे ऐसा लगे भाई अपना ही घर तो स्वच्छ करेंगे वो और अपने लोगों को विकास अच्छा से देंगे, तो मतलब जो भी रास्ते है या किसी ग्राम पंचायत पिछड़ी है तो उनको लेकर विकास करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है ना हमारे इधर मिल रहे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा ही इस बार। जी जी सर, मतलब सरपंच बनने के बाद में ग्राम पंचायत में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुए बड़े मोटे तौर पर? अब डेवलपमेंट तो अब ये देखो ना थोड़ा सा अपने मुद्दे चल रहा था पहले, तो बाढ़ वाले रास्ते का काफ़ी 10 साल तो वो चालू हो गया, फिर जैसे जहाँ तक समस्या है जैसे बाढ़ वाले रास्ते में उन लोगों ने कही थी सामुदायिक भवन मिल जाए तो हम बैठने के लिए जगह मिल जाए, तो वहाँ सामुदायिक भवन भी अपने बनवाया है, साहब एम एल ए साहब ने सपोर्ट किया, शमशान घाट में शिकायत चल रही थी अरे यहाँ पे लोगों ने जमीन दाब ली, तो साहब ने हमने बाउंड्री ली थी चार वाल, तो उन्होंने लेकर बाउंड्री करवाई जमीन पूरी नाप के, अब और भी जैसे पंचायत भवन स्कूल है तो हमने सबको विचार में जितने भी अपने सरकारी भवन है भाई पंचायत में रोड वगैरह तो बनते ही है, लेकिन सरकारी भवन में कैसा होना चाहिए तो भाई सलेमपुर में जो कोई भी अधिकारी जाए तो नाम होना चाहिए भाई सलेमपुर में भी ऐसा भवन है, ये तो हमारी हार्दिक इच्छा है। अब लोग बाग उसमें थोड़ा कोऑपरेट करे, अपनी टांग खींचा खाँची बंद कर दे तो थोड़ा सा ज्यादा काम ज्यादा बेटर, गांव के लोग कोऑपरेट करे तो टांग खींचाई नहीं करे तो एक बहुत अच्छी बात कही सरपंच साहब ने, टांग खींचाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं विकास में अवरुद्ध भी आता है, हालांकि सरपंच साहब देखो पक्ष विपक्ष तो हमेशा चलते रहते हैं। नहीं बिल्कुल, पक्ष विपक्ष और विपक्ष नहीं हो, मैं अपनी सोच है विपक्ष होना भी जरूरी है, अगर कोई काम हम करें विपक्ष नहीं है तो हम अपनी कुछ भी कर दिया, विपक्ष है तो मुझे लग रहा है काम अच्छा होना चाहिए, पता नहीं सामने वाला क्या सोच के बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल काम में जांच आ जाएगी या कुछ कर देगा, तो सिर्फ विपक्ष जरूरी है, विपक्ष होना भी चाहिए, किसी भी पद के लिए विपक्ष है तो काम अच्छा होगा। जी विपक्ष है तो काम अच्छा होगा, बहुत अच्छी बताए। इसके अलावा सरपंच साहब जैसे अगर बात करते हैं COVID-19 महामारी की, तो अपने तीसरी दस्ते की लहर वर्तमान में कहीं ना कहीं आठ पड़ रही है, तो उसको लेके क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? अपने यहाँ पे सब लोगों से कह रखी है भाई अपने मास्क लेकर जरूर निकलो घर में रहो और अपने जो भी अपनी सुरक्षा खुद रखो, मार्केट में काफ़ी आदमी बिना मास्क घूम रहे थे, मैंने भी साहब से दरख्वास्त की थी अभी वीडियो कॉल में, सर हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा नॉन दुकानों पर, तो साहब ने पर्सनल जाँच लगाई है, इसमें हमने सबको अध्यक्ष बनाया, तो उसकी मीटिंग भी ली हमने चार पाँच दो बार मीटिंग ले चुके हैं, हमने स्कूल में ओवर हॉस्पिटल, फिर उसके बाद हमने यहाँ से जाँच मीटिंग लगे ना आप सही सिविल आओ नॉर्मल ऐसे बताओ लोगों को देखे हुए अधिकारी आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने आके कुछ लोग भी पर्ची काट गए, तो उससे थोड़ा सा माहौल ठीक है, पर्ची कटने से लोग डर रहता है, मतलब आप समझाओगे प्यार के लोग मानेंगे तो मानेंगे नहीं, आप प्यार से करो, अब उनका थोड़ा सा भय बैठा दो अरे सामने वाले पैसे ले जाए 200 रुपए 500, तो उसे लोग थोड़ा सा सुधार तो है, आज मार्केट में लोग भीड़ भी बहुत कम है जैसे आप जाए, तो अपने पर्सनल मकसद से आएंगे ऐसे नहीं, पहले इतनी आदमी बैठते तीन तीन जगह तो आग जलती रहती, तो आराम से चल रहे बैठ रहे खाने का पता नहीं, आराम से 6-7 घंटे बैठते इनके बात करते, अब वो लोग थोड़े से कम है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई सभी के लिए ये है ना, सभी अपने जितने भी पद है राजनीतिक पद है अब गांव में जो भी है, तो सबको एक सब साथ रह के काम करवाओ भाई, जिसका काम है वो अपने हिसाब से पर्सनल काम मत लाओ भाई, पंचायत मुझे ऐसा लगना चाहिए ना हमारी पंचायत अच्छी दिखे, या फिर जो अपने क्षेत्र के जो भी MLA है विधायक है उनसे ऐसी मांग रखो जिससे हमारे क्षेत्र का नाम है, ये नहीं खुद का नाम खुद का बनवा लिया, खुद से तो मतलब नहीं, आदमी स्वयं भी कर सकता है, चार हाथ पैर दिए अपने ऊपर वाले ये किस काम के लिए दे भाई, मेहनत करो अब स्वयं के लिए, अब गांव के लिए जो आदमी करेगा तो उसे छोड़ कर देखे नहीं सामने वाले ने काम किया, तो अच्छी बात है ना, कहना भी चाहिए भाई के लोग कुछ लोग भाई अपने कमेटियाँ बने तो उससे कमेटियों से देखो कमेटी होनी चाहिए गाँव में, थोड़ा युवाओं का जोश रहता है अरे हम इसके साथ काम करें, विकास में तो चाहेंगे सबकी भागीदारी, सबकी भागीदारी रहेगी तो सब थोड़ा काम भी बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यह थी हमारी खास मुलाकात सलेमपुर के जो सरपंच युवा सरपंच है अभिषेक जी बैरवा, उन्होंने कहा है कि सभी जो गांव के लोग हैं वो हम कोऑपरेट करें और साथ मिलकर हम ग्राम पंचायत को एक और दर्जे की पंचायत बनाएं। धन्यवाद सरपंच, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।